आज का वीडियो है मेरे Gen Z फ्रेंड्स के लिए जो 18 के हो गए हैं या फिर होने वाले हैं। वोटर आईडी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप वोट करने जाते हो, बल्कि ये कई जगह पे एज एन आइडेंटिटी प्रूफ भी काम आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतना लेंदी प्रोसेस है, इतना डॉन्टिंग प्रोसेस है। अरे बड़ा आसान है, ऑनलाइन तो स्पेशली बड़ा ही आसान है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वही बताऊंगी मैं इस वीडियो को, एंड तक देखो। तो सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन कर लो और टाइप करना है voters.eci.gov.in, फॉर्म 6 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा साइन अप करने के लिए। सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर फिल करो, उसके बाद ईमेल आईडी, कैप्चा फिल करो, और ये सब फिल करने के बाद आप एंटर पर क्लिक कर सकते हो। अब पोर्टल पर लॉगिन आपने कर लिया है, सेम वही न्यू फॉर्म फॉर जनरल इलेक्टर्स के ऑप्शन पर जाना है और फॉर्म 6 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसमें आपको सारे डिटेल्स फिल करने हैं। सबसे पहले स्टेट एंटर करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है, और उसके बाद नंबर एंड नेम ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद आपको सारे पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है, और सबसे कूल बात इसमें मुझे ये लगी कि जैसे ही आप इंग्लिश में फिल करेंगे, हिंदी में अपने आप आ जाएगा। अब आप अपना फोटो अपलोड कर सकते हो, जेपीईजी या जेपीजी में ही होना चाहिए। देखो इस बात का खास ख्याल रखना कि जो डायमेंशन दी गई है उसी में आपका फोटो होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और रिलेटिव डिटेल्स फिल करनी है। देखो ये सारा प्रोसेस फिल करते हुए आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स का। स्पेलिंग्स जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही होनी चाहिए, वरना एक बार अगर मिस्टेक हो गई तो आपको पता है बहुत टाइम लग जाता है स्पेलिंग्स को करेक्ट कराने में। नेम एंटर करने के बाद नेक्स्ट कर देना है, और इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले मोबाइल नंबर, OTP रिक्वेस्ट करना है, और एंटर करने के बाद वेरीफाई कर देना है। यहाँ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में आधार डिटेल्स डाल दो, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब हम आ गए हैं DOB वाले सेक्शन में, जहाँ सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर दो, उसके बाद प्रूफ देना होगा, आधार डिटेल्स फिल कर दो वहाँ। अब चूज फाइल ऑप्शन में जाके पिक्चर अपलोड कर दो। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स फिल करने हैं, जैसे हाउस नंबर, पिन कोड एटसेट्रा। और अब हम आ गए हैं फाइनली डिक्लेरेशन पेज पर, जिसमें आपको सारे बेसिक डिटेल्स फिल करने हैं, जैसे एड्रेस, डेट एटसेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, इसके बाद कैप्चा कोड एंटर कर देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बस इसके बाद आपका फॉर्म 6 ओपन हो जाएगा, उसमें आपको एक रेफरेंस नंबर डालना है, और बस आपका फॉर्म जो है वो फिल हो गया है। देखो ये तो था फॉर्म फिल करने का प्रोसेस। अब अगर आपको ट्रैक करना है कि क्या स्टेटस है आपके वोटर आईडी का, तो आपको फिर से होम पेज पर आना है और ट्रैक योर एप्लीकेशन का एक टैब आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वहां पर ट्रैक एप्लीकेशन नंबर को फिल करना है, फिर स्टेट सबमिट करना है, और आपको आपका वोटर आईडी का जो स्टेटस है वो दिख जाएगा। बस इतना ही करना है, थाना आसान प्रोसेस। यूज करो इसको, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में इफ दिस वाज यूजफुल। बाकी कीप वाचिंग एट द टाइम्स, दिस इज वंशिका साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।